नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सायमा। कर्नाटक हो या फिर पश्चिम बंगाल, एक धर्म विशेष से नफरत की कहानी वक्त वक्त पर देखने को मिल ही जाती है। जब पाक महीना रमजान चल रहा है तो ऐसे में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से उसकी आलोचना जमकर हो रही है और लोग सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर ये भेदभाव क्यों। एक धर्म विशेष से नफरत का परिचय कांग्रेस के अलावा बाकी विपक्षी पार्टियां भी देती रहती हैं, लेकिन कर्नाटक में हुई इस घटना से कई तरह के सवाल भी लोगों के जहन में उठ रहे हैं। कांग्रेस को एक धर्म से नफरत और दूसरे धर्म से प्यार है, इसे कर्नाटक में हुए ताजा मामलों से समझा जा सकता है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने रमजान को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव कर दिए ताकि स्कूल के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपनी धार्मिक कार्यकलापों को भी अंजाम दे सके। दूसरी तरफ इसी कांग्रेस सरकार को हिंदू छात्रों की तरफ से हनुमान चालीसा का पाठ करने तक से दिक्कत हो जाती है। कांग्रेस की इसी सरकार ने हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव करते हुए हनुमान ध्वज को उतरवाया था। इतना ही नहीं, विरोध करने पर पुलिस ने हिंदुओं पर लाठीचार्ज भी कर दिया था। कर्नाटक में रमजान में स्कूल का टाइम बदला। कर्नाटक में रमजान को देखते हुए स्कूल का टाइम कथित तौर पर बदल दिया गया है। संशोधित स्कूल टाइमिंग रमजान की शुरुआत से प्रभावी किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। आधिकारिक आदेशों के मुताबिक स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 12:45 तक शुरू होंगे। इसके बाद छात्रों को सुबह 10 बजे से 10:15 बजे तक 15 मिनट का ब्रेक भी निर्धारित किया गया है। कर्नाटक में स्कूलों में ये समय बदलाव रमजान के पहले दिन से ही शुरू होने की बात कही गई थी। कर्नाटक के उर्दू और बाकी अल्पसंख्यक भाषा स्कूल निदेशालय ने रमजान के दौरान स्कूलों का समय बदलने का ये आदेश दिया था, जो कि 6 मार्च को ही जारी कर दिया गया। तेलंगाना में मुस्लिम कर्मचारियों के काम के घंटे कम किए। तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है और वहां की सरकार ने 12 मार्च से 11 अप्रैल 2024 तक लागू रमजान के दौरान मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय और स्कूल 1 घंटे पहले छोड़ने की इजाजत दे दी है। रमजान के पूरे पवित्र महीने में उन्हें शाम 4 बजे कार्यालयों से निकलने की इजाजत होती है और ये आदेश तेलंगाना की मुख्य सचिव शांति कुमारी ने जारी किया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस की ये हरकतें सामने आई हैं। इससे पहले भी पूरी की पूरी लिस्ट है जब कांग्रेस इस तरह की हरकतें करके बुरी तरीके से फंस चुकी है। मंदिरों से मिले 450 करोड़, मुस्लिम और ईसाई को दिए 330 करोड़। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार कितनी हिंदू विरोधी है उसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 16 फरवरी 2024 को राज्य का बजट पेश किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व घाटे का बजट पेश करने के बावजूद सीएम सिद्धारमैया ने खुलकर अल्पसंख्यकों के धार्मिक कार्यों के लिए पैसा लुटाया। 3.71 लाख करोड़ रुपए के इस बजट में वक्फ संपत्तियों के लिए 100 करोड़ रुपए और भव्य हज हाउस के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसी तरीके से ईसाई समुदाय के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। यानी कांग्रेस सरकार ने अपने बजट में मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लिए 330 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जबकि कर्नाटक के करीब 400 मंदिरों से हिंदू भक्तों की तरफ से दिया जाने वाला सालाना औसतन दान 450 करोड़ रुपए सरकार के खजाने में जाता है। यानी हिंदुओं के 450 करोड़ में से 330 करोड़ रुपए मुस्लिम और ईसाई समुदाय को बांट दिए गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 16 फरवरी 2024 को राज्य का बजट पेश किया। वित्तीय साल 24-25 के लिए राजस्व घाटे का बजट पेश करने के बावजूद भी इस तरीके का खुलकर दान जो है वो अल्पसंख्यक और धार्मिक कार्यों के लिए दिया गया, जिसके बाद उनकी जमकर आलोचना भी हुई, जिसमें वक्फ बोर्ड के अलावा हज हाउस के लिए जो पैसा दिया गया उसको लेकर भी कई तरीके के सवाल खड़े हुए। आपको बता दें, जिस हज हाउस के लिए पैसा दिया गया है ये हज हाउस मंगलौर में बनाया जाएगा। 4 नवंबर 2023 को कर्नाटक में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था। प्रशासन ने परीक्षा में नकल रोकने के लिए कई कदम भी उठाए थे और यहाँ भी हिंदू महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया। हिंदू धार्मिक रीति रिवाज परंपरा और मान्यता के मुताबिक एक विवाहित महिला के लिए मंगल सूत्र काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। महिला हर वक्त मंगल सूत्र पहने हुए नजर आती है, लेकिन
कर्नाटक सिविल सेवा परीक्षा में कांग्रेस की भेदभावकारी नीति ने महिलाओं को गले से मंगलसूत्र उतारने के लिए मजबूर कर दिया। यहां तक कि कान के झुमके, चेन और बिछिया के साथ साथ बाकी गहने भी उतरवाने के लिए कह दिया गया। परीक्षा केंद्र पर मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं भी परीक्षा देने के लिए आई हुई थी जो हिजाब पहने हुए थी, उन्हें कुछ भी उतारने के लिए नहीं कहा गया। मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनकर अंदर जाने की इजाजत दे दी गई। ये तो रही कर्नाटक की बात, अगर बात पश्चिम बंगाल की करें और यहाँ पर नजर डालें तो यहाँ के हालात भी इससे अलग नहीं है। कुछ सालों पहले कुछ ऐसी खबरें सामने आई थी कि हर कोई सोच में पड़ गया। दरअसल 2019 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के मुताबिक वो लोग हर मंगलवार की तरह हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, तभी अचानक पुलिस ने उन पर हमला कर दिया और मारपीट की। दरअसल सार्वजनिक जगहों पर नमाज अदा करने पर पाबंदी की मांग को लेकर कुछ हफ्तों से हर मंगलवार को शहर के हनुमान मंदिर के पास की सड़क पर सार्वजनिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, इसमें बच्चे और महिलाएं भी हिस्सा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी ममता बनर्जी की सरकार को ये रास नहीं आ रहा था। मंगलवार को पुलिस ने हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों के साथ बदसुलूकी की और मारपीट कर उन्हें वहां से खदेड़ने की भी कोशिश की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गंभीर हताशा और निराशा का सामना कर रही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद उन्हें विधानसभा चुनाव में भयानक हार से पहले जो कुछ नजर आ रहा था उसकी वजह से उनकी बौखलाहट थी, और यही वजह थी कि ममता बनर्जी अपना वोट बैंक बचाने के लिए जोर शोर से मुस्लिम तुष्टीकरण में जुट गई। ममता बनर्जी ने राजनीतिक निर्लज्जता की सभी सीमाओं को पार करते हुए स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी मजहब के नाम पर बांट दिया। ममता बनर्जी की सरकार ने राज्य के स्कूलों को निर्देश दिया कि वो मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए अलग से मिड डे मील हॉल रिजर्व करें। ये आदेश राज्य के उन सरकारी स्कूलों पर लागू हुआ जहां पर 70% या उससे ज्यादा मुस्लिम छात्र थे। राज्य में अल्पसंख्यक और मदरसा शिक्षा विभाग की तरफ से उन सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों का नाम मांगा गया जहां पर 70% से ज्यादा मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। इन सरकारी स्कूलों में अल्पसंख्यक बच्चों के लिए अलग से मिड डे मील डाइनिंग हॉल बनाया गया। पिछले लोकसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुरी तरीके से बौखलाई हुई थी। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी को जय श्री राम का उद्घोष अब गाली की तरह लगने लगा। राज्य के 24 परगना जिले में ममता बनर्जी का काफिला जिस वक्त गुजर रहा था तभी रास्ते में भीड़ में खड़े लोगों ने जय श्री राम का उद्घोष कर दिया। जय श्री राम सुनते ही ममता बनर्जी को गुस्सा आ गया और गाड़ी से उतरकर उन्होंने लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने जय श्री राम कहने वालों को गिरफ्तार करने की धमकी भी दे दी और उन्हें दूसरे प्रदेश का बता दिया। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने इसी तरीके से जय श्री राम कहने वालों को जेल में डालने की धमकी दी थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो किसी भी हाल में जय श्री राम नहीं बोलेंगी। ममता का कहना है कि जय श्री राम बीजेपी का नारा है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी लोगों को ये बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। सच्चाई यह है कि देश में जय श्री राम बोलने की सदियों पुरानी परंपरा है। जब ये बंगाल में वीडियो वायरल हुआ जिसमें तृणमूल कार्यकर्ता जय श्री राम का नारा लगा रही भीड़ को खदेड़ रहे थे तो पूरे राज्य में हिंदुओं को इसी तरह प्रताड़ित किया जाने लगा। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के इस रवैये से बंगाल के लोगों में जबरदस्त तरीके का गुस्सा भी देखने को मिला। राज्य में जगह जगह पर इसका विरोध भी किया गया और इसका असर वोटिंग पर भी पड़ना साफ तौर पर तय माना जा रहा था। दरअसल राज्य में अपनी पार्टी की खिसकती जमीन से ममता बनर्जी परेशान हो गई। लोकसभा चुनावों के लिए राज्य में जो वोटिंग हुई थी उसमें अधिकतर सीटें बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आई थी। इससे घबराई ममता बनर्जी राज्य में धार्मिक आधार पर वोटों को बांटने की कोशिश में पहले भी चुकी हैं। हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी कर मुसलमान वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश भी कर चुकी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं की आस्थाओं पर लगातार आघात करती हुई नजर भी आई हैं। हिंदुओं के धार्मिक रीति रिवाज, पूजा पद्धति और पर्व त्योहार पर लगाम लगाने के बाद ममता बनर्जी हिंदू देवी देवताओं को बांटने में भी लगती हुई दिखाई दी। हिंदुओं को बांटने के लिए ममता बनर्जी ने कहा कि हम दुर्गा की पूजा करते हैं, राम की पूजा क्यों करें। झरगा की एक सभा में ममता ने कहा था कि
बीजेपी राम मंदिर बनाने की बात करती है वो राम की नहीं रावण की पूजा करती है, लेकिन हमारे पास हमारी अपनी देवी दुर्गा है। हम माँ काली और गणपति की पूजा करते हैं, हम राम की पूजा नहीं करते। सनातन संस्कृति में शस्त्रों का विशेष महत्व है। अलग अलग पर्व त्योहारों पर धार्मिक यात्राओं में तलवार गदा लेकर चलने की परंपरा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धार्मिक यात्राओं और शस्त्र को भी दो सांप्रदायिक और सेकुलर करार दे दिया। लेकिन गौर करने वाली बात यही है कि यहाँ पर जब दूसरे समुदाय के लोग ऐसा करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इन घटनाओं को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अब देखना ये चाहिए और सच्चाई भी समझनी चाहिए कि माहौल आखिर क्या हो गया है। कांग्रेस केवल एक समुदाय के तुष्टिकरण में लगी रहती है। फ्री फ्री की रेवड़ी के पीछे भागना बंद कर देना चाहिए और ऐसी पार्टियों को वोट देना चाहिए जो ये सुनिश्चित करेंगी कि महान देश भारत आगे बढ़े और हमारा सबका भविष्य सुरक्षित हो सके। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।